राज्यों में कांग्रेस बढ़त मिलकर लगाई, मिजोरम में हंग असेंबली हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं ये जो सिनेरियो उभर कर सामने आ रहा है एग्जिट पोल के? भाजपा सब जगह अच्छी स्थिति में आ रही है। भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार, मैं मध्य प्रदेश की हूं इसलिए अभी मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूं कि भाजपा मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है, ये सुनिश्चित है। भाजपा अन्य जगह भी सरकार बना रही है और भाजपा जहां बहुत पीछे थी वहां बहुत अच्छी स्थिति में उभर कर आ रही है। बहुमत का आंकड़ा जो है उसे पार कर पाएंगे निश्चित रूप से। कितना अनुमान आप लगा सकते हैं? मेरा भाजपा का लक्ष्य था 150 का, लेकिन हम उससे काफी ऊपर जा रहे हैं। एक जो सवाल कांग्रेस का है, दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भी रहते हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस आसानी से जीत रही है, 130 सीटें आ रही हैं। कांग्रेस कभी आसानी से नहीं जीत सकती, कांग्रेस षड्यंत्र करके जीतती है, इसलिए अब षड्यंत्र उनके नहीं चल पा रहे हैं, तो जो आना चाहिए जिनको वही आएगा। भाजपा आ रही है और इसे हमें सबको स्वीकार करना है। हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस नेता, उनका यह भी कहना है कि शिवराज सिंह चौहान को माफ नहीं करेगी मध्य प्रदेश। देखो, हिंदुत्व तो एक कोई किसी व्यक्ति विशेष का विषय नहीं है, हिंदुत्व तो ये धरातल है, ये भारत भूमि है, यहाँ सनातन है, यहाँ हिंदू है। हमने अगर अन्य सभी मत और पंथों को अवसर दिया है यहाँ रहने का, आप रह सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव ये हमारे यहाँ कहा गया, इसलिए अतिथि देवो भव की हम उसमें रहते हैं, संस्कारों में रहते हैं, तो हम सबको मान्यता देते हैं। और इसमें कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ सदैव षड्यंत्र किया है, हिंदुओं को नीचे गिराने का प्रयास किया। जब तक स्वतंत्रता के पश्चात जब तक कांग्रेस का शासन रहा, हिंदुओं को कभी भी न्याय नहीं मिला है। इसलिए अब जब हिंदू अपने वर्चस्व में आ रहा है, जब वो अपनी बात कहने का उसको अवसर मिला है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में, न्याय उनको मिलने लगा है, तो कांग्रेस तिल मिला रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं को कुचलना जानते हैं, क्योंकि हिंदू कभी कुछ कहता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आतंकवादियों के साथ है, ये सिद्ध हो चुका है। इस बार मध्य प्रदेश से कई बड़े नेता है, प्रहलाद पटेल है, नरेंद्र सिंह तोमर है और भी कई लोग हैं, मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, क्या कहते हैं? हो गया थोड़ा संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है, हमारे यहाँ संगठन का निर्णय सर्वोपरि होगा। शिवराज सिंह चौहान भी अपनी तरफ से दावेदारी पेश करो, उनको क्या वो दोबारा? मैंने कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रात्मक दलगत संगठन है, इसलिए हमारे संगठन जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेंगे वही होने वाला है। एग्जिट पोल पर आप क्या कहते हैं? मैं भी भाजपा आगे है, भाजपा सरकार बना रही है और जिस प्रकार से भाजपा ने विकास का कार्य किया है, जिस प्रकार से हर व्यक्ति से लेकर के हर समाज का और हर वर्ग का ध्यान रखा है, तो भाजपा अपने काम के द्वारा मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। कांग्रेस पार्टी को लेकर कांग्रेस की हिंदुत्ववाद की बात करते थे, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं? हिंदुत्व की बात कभी भ्रम के साथ हो ही नहीं सकती, हिंदू सनातनी है और हम अपने ही देश में, हिंदुओं के देश में हिंदुओं को नकार दें, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो कांग्रेस करती चली आई है वो बिल्कुल नहीं होगा। हिंदुओं की बात हो रही है तो मुस्लिमों की भी बात हो रही, तो क्रिश्चियंस की भी बात हो रही है, सभी समुदायों की बात हो रही है, सभी पंथों की बात हो रही है, लेकिन सनातन धर्म को छोड़ दें, ये हमारा नियम नहीं है।